नमस्कार, सच कहूं हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया के डेरा श्रद्धालुओं ने चलाया पौधारोपण अभियान। शाह सत्ताम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने 2000 से अधिक पौधे लगाकर विदेशियों को दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। एनआरएम संस्था के अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने डेरा श्रद्धालुओं और डॉक्टर एम एस जी का जताया आभार। विदेश में फिर बजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका। फिजी और पपुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी को दिया गया दोनों देशों का सर्वोच्च सम्मान। दोनों देशों से मिले आदर सम्मान के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया आभार। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक व क्रेटा कार की आमने सामने की टक्कर में 3 वर्षीय बच्ची सहित 5 लोगों की दर्दनाक मौत। क्रेटा सवार 3 अन्य लोग घायल। सूचना मिलने पर एसडीएम संजीव उपाध्याय सहित पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंच शुरू की जांच। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। दिल्ली एनसीआर में पारा 46 डिग्री के पार। सूर्य की बरसती आग से बचने के लिए घरों में दुबके लोग। आईएमडी ने अगले 2 दिन पंजाब हरियाणा राजस्थान सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का जारी किया अलर्ट। पूर्वी दिल्ली के कस्तूरबा नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर लगेगी ब्रेक। अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। लोगों को मिली राहत। खुशी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट का जताया आभार। डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक भर्ती प्रक्रिया शुरू। 12,828 पदों के लिए 11 जून तक जमा होंगे आवेदन। उम्मीदवारों को ग्रामीण डाक भर्ती सेवक पोर्टल पर करना होगा विजिट। ऑनलाइन माध्यम से जमा होंगे आवेदन। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीबीसी को जारी किया नोटिस। सितंबर तक के लिए स्थगित की सुनवाई। बता दें कि गुजरात 2002 के दंगे को लेकर बीबीसी ने बनाई थी डॉक्यूमेंट्री। प्रसारण पर केंद्र सरकार द्वारा लगाई जा चुकी है रोक। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के चेकिंग अभियान से निजी बस चालकों में मचा हड़कंप। प्राइवेट बसों के टैक्स इंश्योरेंस व अन्य जरूरी दस्तावेज न मिलने पर भड़के मंत्री। चालकों को सख्त लहजे में दस्तावेज पूरे करने के दिए आदेश। पंजाब सरकार के साथ बैठक के बाद राजस्व अधिकारियों ने स्थगित की हड़ताल। लोगों ने ली राहत की सांस। बता दें कि जिला बठिंडा के मोड़ मंडी में तैनात नायब तहसीलदार जगतार सिंह को सस्पेंड करने के मामले में राजस्व अधिकारियों ने लिया था हड़ताल का फैसला। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटरों को किया गिरफ्त। पुलिस के मुताबिक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे गैंगस्टर। सच कहूं न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच कहूं हिंदी चैनल।